हाय स्पाइस बॉक्स में स्वागत है। आज हम चिकन नारियल के दूध में बनाएंगे, तो आइए देखते हैं इसके लिए लगने वाली सामग्री। मेरे पास है आधा किलो चिकन, कटे हुए प्याज, कड़ी पत्ता, यह है नारियल का दूध, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, यह है अदरक लहसुन पेस्ट, यह है बेसन मतलब चने का आटा, यह है चिकन मसाला, हरा धनिया गार्निश के लिए, यह है नमक, थोड़ा सा पानी और तेल। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं बेसन को ड्राई रोस्ट करूंगी। इसे तब तक रोस्ट करेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। खास करके ये चिकन को बांध कर रखता है, खासकर ग्रेवी को। ये महाराष्ट्रियन रेसिपी है और इसी वजह से हम नारियल का दूध इस्तेमाल करेंगे। बेसन को रोस्ट करते रहिए जब तक कि इसकी अच्छी खुशबू ना आए, ताकि ये कच्चा ना रहे। जब ये अच्छे से भून जाए तो गैस ऑफ कर दीजिए और इसे साइड में निकाल कर रख दीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालने वाली हूँ कि ये पेस्ट जैसा बन जाए। देखिए इसमें ऐसे गाँठे ना हो, सिर्फ स्मूथ पेस्ट ही रहे। थोड़ी देर के लिए हम इसे साइड में रखते हैं। आगे हम बनाने वाले हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, जो पहले से ही मैंने बना कर रखा है। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और फिर डालेंगे चिकन मसाला। कोई भी चिकन मसाला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये पेस्ट हम इसलिए बना रहे हैं ताकि मसाला जले ना। अब हम गैस जलाने वाले हैं। प्याज भूनने के लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कटे हुए प्याज डालूंगी। आप देख सकते हैं कि प्याज का रंग ब्राउन हो चुका है, ये सुनहरा हो गया है। जब ये अच्छे से सुनहरा हो जाए तो इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता। थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालकर इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि खुशबू ना आ जाए। एक बार इस कड़ी पत्ते की अच्छी खुशबू आ जाए, फिर हम इसमें ये बेस डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जले ना। इसमें है अदरक लहसुन, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, चिकन मसाला, जिसे हमने पानी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस पेस्ट को अच्छे से पका लेना है, जब तक आपको अदरक लहसुन की अच्छी खुशबू ना आ जाए। मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं पैन की साइड से तेल छूट रहा है। अब हम इसमें चिकन डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। हम इस मसाले की पेस्ट और चिकन को अच्छे से मिला लेंगे। मैं इसे बंद करूंगी ताकि इस चिकन में मसाला अच्छे से घुल जाए। और आप देख सकते हैं, देखिए चिकन अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें नारियल का दूध डालने वाले हैं। आप चाहें तो घर पर पीसकर नारियल का दूध निकाल सकते हैं, या फिर रेडीमेड नारियल का दूध भी मिलता है। अब इस चिकन करी को ये क्रीमी बनावट देगा और इसीलिए इस चिकन करी को हम कहते हैं चिकन नारियल दूध की करी। अब हम इसमें हल्का सा बेसन मिक्सचर डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा गाढ़ा बन जाए। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से डाल रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से उबाल आने देते हैं। इसे धीमी आंच पर रखिए और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये चिकन बहुत अच्छे से उबल रहा है और चिकन भी अच्छे से पक चुका है। ये नारियल के दूध में बनी चिकन करी, आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं, खासकर प्लेन बॉइल्ड राइस। अब हम गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डालेंगे, तो बहुत ही स्वादिष्ट नारियल के दूध में बना चिकन खाने के लिए तैयार है।